तो हेलो गाइस यार, आपके लिए भाई एक और न्यू लोन एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसमें गाइस यार आपका अगर सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है, अगर आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तब भी अगर आपको लोन कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको बस 2 मिनट में जो भाई 5 लाख तक का लोन दे सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई बहुत लोग लोन लिए, ठीक है, और आप भी ये जो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम है 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ओके, ये एप्लीकेशन आपको भाई बहुत जल्दी और 2 मिनट में यहाँ पे देख सकते हो भाई, बस 2 मिनट में आपको है जो ये एप्लीकेशन आपको लोन देता है, बहुत दम एकदम कोई फेक एप्लीकेशन है, एकदम 100% दम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके जैसे ही आप सर्च करते हो 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस सर, 1 करोड़ लोग हैं जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं और भाई लोन लिए हैं, ठीक है। तो भाई समझ सकते हो, 1 करोड़ लोग जब इस एप्लीकेशन पे विश्वास कर सकते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होगा, तभी तो भाई 1 करोड़ लोग इस एप्लीकेशन पे विश्वास किए हैं, ठीक है। तो आप भी है जो इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको भाई जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो ही आपके सामने भाई बहुत अच्छा आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा भाई आपको कितना लोन चाहिए, ठीक है। आपको जितना का भी लोन चाहिए, आपको पहले स्टार्टिंग में आपको 5 लाख तक का है जो यहाँ पे आपको लोन बताया जाएगा, ठीक है, बट आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पे है जो लोन ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे बस भाई समझ लो भाई, बहुत इतना मतलब कि आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपको भाई इनकम प्रूफ नहीं पूछ रहा है, और भाई आपको कोई भी है जो भाई सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है तब भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपसे कोई भी है जो मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा कि भाई आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, आपको GST देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस एप्लीकेशन में आपको नहीं लग रहा है, लेकिन भाई एक बात बताऊँगा, ठीक है, आप कभी भी भाई अगर ऑनलाइन लोन लेना, ठीक है, तो 2 बात का हमेशा ध्यान रखना। क्या होता है ना, एक इंटरेस्ट, ओके, आप लोग को पता होगा जिसको ब्याज बोला जाता है, इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट आपका ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और भाई जो प्रोसेसिंग फीस होता है ना, हमारा जो प्रोसेसिंग फीस कि भाई जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये दोनों आपको जो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप लोन लेते हो तो भाई आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाए, आपके साथ है जो प्रोसेसिंग फीस आपका ज़्यादा लग जाए। एग्जांपल मैं बता दूँ कि आप 10,000 का लोन लिए, ठीक है, मान लो कि 10,000 का लोन लिए, एग्जांपल बता रहा हो, ठीक है, आप 1 लाख का भी लोन ले सकते हो, ऐसा नहीं है, 10,000 का आप लोन लिए, ठीक है। 10,000 का लोन लेने के बाद अब मान लो कि भाई आपको प्रोसेसिंग फीस आपको 2,000 रुपया लगा दिया, ओके, सारा एप्लीकेशन का भाई सीरियसली बोलो, सारा एप्लीकेशन का आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा, चाहे 500 लगे या 5,000 लगे या 500,000 लग सकता है, ठीक है, 5,000 नहीं, अगर 5 लाख से ज़्यादा लोगे तो आपको 5,000 लग सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो क्या होता है कि आप 10,000 का लोन लिए, ठीक है, और 2,000 आपको प्रोसेसिंग फीस लग गया, तो आपको कितना बचा, 8,000 रुपया बचा, ठीक है। 8,000 बचने के बाद अब मान लो 2,000 रुपया आपको ऊपर से इंटरेस्ट लगा दिया, जो कि ब्याज बोला जाता है। अब 10,000 लोगे तो जरूर है कि 1,000-2,000 ब्याज लगेगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितना बचा, 6,000 रुपया बचा भाई, बताओ 6,000, 10,000 तुम अप्लाई करोगे लोन के लिए, 6,000 रुपया आपको तुमको अकाउंट में आएगा, तो कैसा फील होगा कि भाई आधे आध पैसा है जो हमारा इधर उधर में काट लिया, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए भाई प्रोसेसिंग फीस देख लेना, ठीक है, और जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट आपका ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तभी आप जाके उस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेना, ठीक है। नहीं तो भाई आप फिर पछताओगे बाद में कि भाई हमको ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ठीक है, अच्छा से बस लोन लेना, ठीक है, ये सब ध्यान देना। उसके बाद आता है भाई फ्लेक्सिबल EMI प्लान, मतलब कि आपको जो यहाँ पे है जो बहुत ही अच्छा EMI प्लान बना दिया जाता है, जो कि गाइस सर आप इस एप्लीकेशन में 3 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो, ठीक है, 6 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो, अगर चाहो तो 12 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो, अगर चाहो तो 24 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो, अगर चाहो तो 36 महीने के लिए भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है भाई। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन जो कि 36 महीने के लिए लोन देता है, ठीक है, और कोई एप्लीकेशन जल्दी 36 महीने के लिए आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, मतलब कि आपको यहाँ पे है जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, आपको जितना का इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पे आप खुद से है जो यहाँ पे देख सकते हो भाई, आप जब लोन ले हुए ना, यहाँ पे मान लो कि 1 लाख का ये यहाँ पे लोन लिए, ठीक है, 1 लाख का लोन लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि भाई हमको कम इंटरेस्ट लगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इंटरेस्ट का है, ठीक है, आप इसको अगर कम करना चाहो, अगर मान लो कि 5% के इंटरेस्ट पे आप लोन लेना चाहते हो तो आपको 5% का भी इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है,
और आपको जितना महीने के लिए चाहिए, आपको 12 महीने के लिए चाहिए, 36 महीने के लिए चाहिए, 48 महीने के लिए चाहिए, आपको जितने महीने के लिए चाहिए आप उतना महीने के लिए आप अपने हिसाब से भाई, आप अपने हिसाब से जो इंटरेस्ट लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से जो EMI प्लान कर सकते हो कि भाई आपको कितने महीने के लिए लोन चाहिए, ठीक है। ये सारा खुद से आप प्लान करके आप है जो इस एप्लीकेशन में लोन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सारा जो डिजिटल वर्क होता है, आपको कुछ भी है जो कहीं पे जाके पोस्ट में जाके बैंक में जाके आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ पे है जो आपको अपना फोटो भी यहाँ पे सबमिट करना होता है, जब आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जब देते हो, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड जब आप देते हो तो आपसे जो यहाँ पे एक आपके फोटो भी मांगता है, तो आप फोटो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सेकंड में कंप्लीट द प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल में जैसे ही ओपन करते हो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फ़ोन नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर दे देना है, नाम दे देना है, ठीक है, और जो एड्रेस है वो दे देना है। वो देने के बाद आपको आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक KYC करना होगा, जो कि आपको आधार कार्ड का जो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड जो भी फ़ोन नंबर से लॉगिन होगा ना, उस फ़ोन नंबर पे आपको एक OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको अपना एक फ़ोटो खींच के, ठीक है, और ऑनलाइन आपको है जो जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो खींच के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। ऐसे सबमिट करके आपको कुछ ज़्यादा नहीं इसमें प्रोसेस है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको है जो आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, बस इतना ही प्रोसेस है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया, और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई बहुत लोग लोन लिए हैं, ठीक है, और आप भी इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले सकते हो, ओके। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेसिंग का वीडियो चाहिए कि भाई कैसे कैसे इस एप्लीकेशन में मतलब जो प्रोसेस होता है ना लोन लेने का प्रोसेस, कि हाँ कैसे पूरा डिटेल फिलअप करें, कैसे कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करें, ठीक है, पूरा प्रोसेसिंग का वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करो कि भाई इस एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेसिंग का वीडियो बना के दो, तो मैं पूरा एकदम बारीकी से समझा के दूंगा कि भाई आपको है जो ज़्यादा लोन में है जो आपको प्रोसेसिंग फीस तो ज़्यादा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं लग रहा, मतलब कि अगर कहीं पर कुछ फेक भी होगा या फॉल्ट भी होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दो कि हाँ भाई इसका है जो हमको पूरा अच्छा से एक प्रोसेसिंग का एक वीडियो डाल दो, ठीक है, तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, प्यार से कमेंट जरूर करना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।